फिल्म और टीवी जगत की चकाचौंध को देखकर लोग आर्ट एक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके लिए तरह तरह के कोर्स भी विभिन्न संस्थानों में चलाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस फिल्म व टीवी संस्थान लखनऊ में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। सबसे सकारात्मक तथ्य यह है कि यह भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। यह संस्थान फिल्म निर्माण, छायांकन, अभिनय, मोबाइल पत्रकारिता आदि में डिप्लोमा व प्रमाण पत्र कार्यक्रम चलाएगा। मीडिया उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा व पेशेवरों की मांग को देखते हुए MLC अवनीश सिंह व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता पद्मश्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उन युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए यह फिल्म संस्थान खोलने का फैसला किया है जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 200 सीटें हैं और संस्थान अपने उन्नत स्टूडियो के साथ छात्रों को कुशल प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। फिल्म एंड टेलीविजन से रिलेटेड तमाम कोर्सेज है, सिनेमाटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, एडिटिंग है, तमाम चीजें, इसके फ्यूचर को लेकर आप क्या कहें? इसके फ्यूचर को लेकर बहुत आश्वस्त लखनऊ के कई टेक्नीशियन वो मुंबई में काम करते हैं, उनके लिए अपने घर जाकर काम वापस करना ये बहुत प्रोत्साहन वर्ग है। उसके अतिरिक्त मैं जिस प्रकार से विकास देख रहा हूँ, देश के कोने कोने में इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, उसका कारण सरकार की सक्रियता भी। पहले पूरे देश में एकमात्र इंस्टीट्यूट था, उसके बाद सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में था, अब उनके तत्वाधान में स्किल डेवलपमेंट को लेकर दोनों ही इंस्टीट्यूट बहुत सक्रिय है और उसी प्रकार का एक इंस्टीट्यूट यहाँ उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये अच्छी बात है और मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि अब मुंबई और लखनऊ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं रही। इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और FTI से लेकर इसका स्टडी सेंटर जहाँ पे FTI के प्रोफेसर आके पढ़ाएंगे, भारत का पहला संस्थान। हम लोग फिल्म की अनेक विधाओं में ट्रेनिंग दे गए हैं, हम एक्टिंग से लेके एडिटिंग तक, सिनेमेटोग्राफी से लेके फोटोग्राफी तक, कोई भी विधा ऐसी नहीं होगी जो यहाँ से छुटी रहे। और जॉब्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कैसे किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश का जो युवा जो फिल्म में अपना करियर बनाना चाहता है उसको हम लोग ट्रेन करें, वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ उपलब्ध करा रखी है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ क्रिएट किया है। किसी भी एज ग्रुप का जिसको फिल्म में अपना करियर बनाना है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। जैसा आप जानते हैं कि फिल्म के करियर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी आके आपका रुचि है फोटोग्राफी करने में और आपको लगता है कि मेरा ये स्किल कहीं छूट गया था मुझसे, तो वो स्किल आप आइए, अपने स्किल को एनहेंस करिए। यहाँ लिमिटेड टाइम के कोर्सेज हैं, एक हफ्ते से लेके एक साल तक के कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। कोर्स फीस मुझे लगता है अगर आप कंपेरिजन करने निकलेंगे तो बहुत मिनिमम कोर्स फीस से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छी फैकल्टी के साथ। और FTI के जो 10 दिन के या 5 दिन के या 15 दिन के कोर्सेज हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड है वो हमने क्रिएट कर रखा है, जो कम होगा वो FTI के प्रोफेसर खुद लेके आ रहे हैं। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में जिस इंस्टीट्यूट में टीचर तो अच्छे हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। आप सब जो फिल्म के प्रेमी हैं, जो अपना करियर फिल्म में बनाना चाहते हैं, एक बार जरूर यहाँ विजिट करिए, हम आपके करियर बनाने में आपको पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है सर, जो अभी भी बहुत से प्रदेश में मध्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग आप उनके लिए क्या आगे कोई अपने कॉलेज द्वारा रखेंगे? सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो भी मिलेंगी और टैलेंटेड लोगों को ये इंस्टीट्यूट भी स्कॉलरशिप देगा। अगर आपके पास प्रतिभा है और आपके पास पैसे नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट आप आ सकते हैं, आपकी प्रतिभा को हम निखारेंगे और आपके साथ। Thank you.
ओके हाय एवरीबॉडी, दिस इज आर्जे राहुल सिंह और आज हम थे सुभाष चंद्र बोस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी में। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर लखनऊ और लखनऊ को कुछ नया मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि इससे लखनऊ का जो टैलेंट है, लखनऊ ही नहीं यूपी का जो टैलेंट है वो और आगे जाएगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हुनर तो बहुत है पर कदर थोड़ी कम है यूपी में, तो ज़्यादा कदर होना शुरू होगी, जितना दिखेंगे उतना लोग अप्रिशिएट करेंगे और यूपी तो है ही, हमारा जानते हैं कि हर तरीके से बेस्ट है, सक्षम है। तो लखनऊ के कलाकारों और यूपी के कलाकारों को हमारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खूब नाम रोशन कीजिए। तो थैंक यू SCBTI फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। फिल्म इंस्टीट्यूट में आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या इसका स्कोप क्या है और क्या होना चाहिए। देखिए ये अवनीश जी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ में एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं तो बहुत है, लेकिन वो सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके के हैं कि जहाँ बच्चों को सही मार्ग दिशा देने के बजाय उनको भ्रमित ज़्यादा करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। मैं खुद कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, लेकिन यही सारी चीज़ें देखने की वजह से बच्चों के साथ में इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को आप बुला लेते हो, उनको लुभावने वादे करते हो, लेकिन काम के नाम के ऊपर आप उनसे झूठ बोल के और चुपचाप से निकल जाते हैं। बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, आपके यहाँ फीस देते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट कोई भी नहीं मिलता। तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहता हूँ अवनीश जी को, और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हैं वो इस इंस्टीट्यूट के मेंटोर हैं, तो मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूट का भविष्य बहुत अच्छा है। नमस्ते आप सबको, और यहाँ पे आप सबका आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अपनी जी ने भी जो भी करा है, क्योंकि यहाँ के यूपी के लोग एक्चुअली क्या है, जो बच्चे हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंट है हमारे यूपी में भी, क्योंकि लोग भागते रहते हैं, इधर मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं कोर्सेज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने निकाला है कि हमारे यहाँ एक सिटी में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट उन्होंने फॉर्म करा है, कि ट्रेन फैकल्टीज आएंगे, जो FTI आएंगे हमारे फैकल्टीज आएंगे यहाँ पे। तो मैं बस यही उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और बेस्ट विशेज देना चाहूँगी कि ये इंस्टीट्यूट और राइज करें, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे टैलेंट्स हैं, जो बच्चे अभी भी घबराते हैं आगे फेस करने में, बहुत से लोगों को होती है इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, मैं मुंबई जाऊँगा कैसे रहूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगी कैसे भी करूँगी। तो इन इनसिक्योरिटीज़ को हमें ख़त्म करना है, स्मिथ को ख़त्म करना है कि टैलेंट सिर्फ लिमिटेड है मुंबई और बॉलीवुड तक के, तो वाई नॉट हियर वी कैन मेक द बॉलीवुड, बिकॉज एज अ आप देख ही रहे हैं कि कितनी कितनी फिल्म हमारे यहाँ शॉर्ट हो रही हैं, रोज डेली बेसिस पर हमारे शूट हो रही है, मोस्टली सिनेमा इज लाइक पूरे लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर शूटिंग जितनी भी चली जाए, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, एनी थिंग यू कैन टेक, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लखनऊ में शूट करी गई है। बाय आई एम रियली प्राउड दैट इतना अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ से हमारे यहाँ चला जा रहा है। सो बेस्ट विशेज इंस्टीट्यूट को भी, और आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो ये बहुत अच्छी है। थैंक यू। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारी। मित्रों बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सभी सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ सुभाष चंद्र बोस फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आसीन हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है हमारे अवनीश जी का, हमारी ऋतु जी का, और इसके साथ हमारे माननीय मापदंड जो हम जिन्हें अपने बाल्यावस्था से देखते आ रहे हैं, हमारे परम प्रिय बड़े भाई मेंटोर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का, जिनके कर कमलों द्वारा यहाँ पे ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। मित्रों मैं खुद एक कलाकार हूँ, मैं चरित्र अभिनेता हूँ, और चरित्र अभिनेता होने के साथ साथ मैं एक एंकर और डबिंग आर्टिस्ट और एक गॉडेस भी हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रयास हुआ है इस प्रांगण में, ये यहाँ की प्रतिभाओं को देखते हुए, और प्रतिभा किसी की भी हो कभी भी जाया नहीं जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये केवल एक कहावत नहीं है मित्रों, ये एक चरित्रार्थ है, और ये उन्हीं के लिए है जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और सुभाष चंद्र बोस फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पे उत्तर प्रदेश का जो कार्यभार सौंपा गया है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी का छोटा कलाकार भाई
मित्र उत्कर्ष बाजपेयी। चैनल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।